नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अदानी पावर लिमिटेड के बारे में। अगर आप लोग इस कंपनी में एक भी शेयर होल्ड करते हो तो उस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी के नेक्स्ट टारगेट के बारे में, कंपनी के फ्यूचर के बारे में और कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है भी या फिर नहीं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और मेरे से भाई से छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है, ये जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं कर रखा वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं इस चैनल पर शेयर मार्केटिंग से रिलेटेड काफी सारे वीडियोज बनाते रहता हूँ। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अदानी पावर के बारे में। आज के शेयर का जो करंट प्राइस है 297 पर शेयर ट्रेड कर रहा है और आज के दिन हम लोग को 7 रुपए तक की गिरावट इस शेयर में देखने के लिए मिली है। पिछले 6 महीने में अप्रोक्स 176% तक की बढ़त और पिछले एक साल में अप्रोक्स हम लोग को 131 रुपीज तक की बढ़त इस शेयर में देखने के लिए मिली है। आप लोग को पता ही होगा जो मेरे साथ जुड़े हुए स्टार्टिंग से ही कि मैंने आप लोग सितंबर से आप लोग को बोल रहा था कि इस शेयर में आप लोग पैसा इन्वेस्ट कीजिए पैसा इन्वेस्ट कीजिए। मैंने आप लोग देखिए तो सितंबर में आप लोग को 28 सितंबर को बोला था, 25 अक्टूबर 25 21 अक्टूबर से मैं लगातार आप लोग को इस शेयर के बारे में वार्निंग देता रहा कि इस अदानी पावर के ऊपर मैंने इतनी सारी वीडियो बनाई और हमेशा कहता रहा कि इस शेयर में अगर आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में आप लोग को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और जिन जिन लोगों ने प्रॉफिट कमाया है उन लोगों ने कमेंट में आके बताया भी है। अब बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। तो कंपनी कि अगर हम लोग बात करते हैं आज के दिन शेयर प्राइस है 297 में। मैं आज भी कहता हूं अगर आप लोग कंपनी में पैसा होल्ड करके रखते हो, आज आप पैसा आज भी लगाते हो और होल्ड करके रखिए 2025 तक, तो देखिए 300 रुपए का शेयर आज के टाइम में देखने के लिए मिल रहा है। टारगेट रहने वाला है 2025 तक 3000 तक का। ये शेयर डेफिनेटली 3000 तक का आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा 2025 तक। रीजन क्या है, पावर कंजप्शन जो होगी वो बढ़ जाएगी और पावर कंजप्शन बढ़ने के बाद आप लोग देखिए हर सेक्टर में जो अदानी पावर का पूरा इलेक्ट्रिकल सेक्टर है जो कि पूरा पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, उस सेक्टर के हर एक शेयर को प्रॉफिट होगा, जिसमें अदानी पावर 5th नंबर पे आता है अपने सेक्टर में। देखिए अपने सेक्टर 5th नंबर पे आने के बाद भी इतना ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है कि और कोई सेक्टर और भी कोई शेयर इतना ज्यादा प्रॉफिट आप लोग को नहीं कमा के दे सकता। चलिए बात करते हैं अब हम लोग इस शेयर के बारे में, नेक्स्ट टारगेट के बारे में। तो अभी इस शेयर में हम लोग बात करते हैं तो एक जो पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया था जो कि हमने पिछले वीडियो में बात करा था ए बी इक्वल्स टू सी डी में, वो तो इसने हम लोग पूरा फुलफिल करता हुआ दिखाई दे ही दिया, हम लोग को दे ही दिया है ए बी सी डी पैटर्न में। अब जो इसका हमारे ट्रेंड लाइन तीनों लोअर ट्रेंड लाइन उसको इसने ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दे दी है। अब देखा जाए 239 के प्राइस को अगर इस एज अ सपोर्ट यूज करता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यूज करता है तो इस शेयर में आप लोग को तेजी देखने के लिए मिल जाएगी और टारगेट रहेगा 291 का और सेकंड टारगेट रहेगा 347 का, जो कि इजिली ब्रेकडाउन कर देगा जहां पर इसने 379 को पहले भी 2 बार एज अ रेजिस्टेंस यूज किया है और इस बार भी ये एज अ रेजिस्टेंस 347 को यूज कर पाएगा। बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। शेयर का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने के लिए मिलता है 1 लाख करोड़ का देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी पर कर्जा के बारे में बात करें तो 48,000 का कंपनी पर कर्जा भी देखने के लिए मिलता है। प्रमोटर्स होल्डिंग 75%। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रमोटर्स होल्डिंग किसी भी कंपनी की 60% से ऊपर है उस शेयर में पैसा डाल दो और भूल जाओ। आप लोग अगर एनालाइज नहीं कर सकते, कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं देख सकते, सिर्फ दो ही चीज देखो, प्रमोटर्स होल्डिंग कंपनी में है या फिर नहीं है और कंपनी ने पिछले साल कहीं 3-4 सालों में प्रॉफिट जनरेट करा है या फिर नहीं करा है। इन दो चीजों पे अगर आप लोग को फंडामेंटल्स देखने नहीं आते तो इन जो दो चीजों के बेसिस पे आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी भी कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग 16% से ज्यादा है उसमें पैसा डाल के भूल जाओ, आने वाले टाइम में वो शेयर आप लोग को अच्छा प्रॉफिट देगा ही देगा। रीजन क्या है, जो प्रमोटर्स होते हैं ना कंपनी के, उनको पता रहता है कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी का शेयर कब ऊपर जाने वाला है कब नीचे जाने वाला है। कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है अपने जो उसके कस्टमर्स है उनको सेटिस्फेक्शन कर रही है तो देखा जाए जो प्रमोटर्स होल्डिंग होगी वो बढ़ती ही रहेगी। रीजन क्यों होगा, क्योंकि कंपनी को पता है कि आज नहीं तो कल आने वाले टाइम में शेयर प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि कंपनी का जो इनसाइडर वर्क है वो काफी अच्छा चल रहा है। यही इन द सेम अगर कंपनी का इनसाइडर वर्क अच्छा नहीं होगा, कंपनी में कोई अपनी अच्छा काम नहीं करेगी तो जो प्रमोटर्स होंगे वो क्यों अपना पैसा लगाएंगे उस ऐसी कंपनी में जिनके बारे में उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में ये अच्छे रिटर्न नहीं देने वाली। तो इस चीज को बहुत ही बारीकी से सोचिए और पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अदानी पावर में दोबारा बोल रहा हूँ, पैसा इन्वेस्ट करके भूल जाइए। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए 56%, एक अच्छी कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी की अगर बात करते हैं तो 15% से लेकर 20% तक की आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं कंपनी का, तो कंपनी ने जब भी प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो इस साल के पिछले 2 सालों में हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो अप्रोक्स 300 गुना तक का रिटर्न कंपनी ने 300 गुना तक का ज्यादा कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग डिस्कशन कर लेते तो प्रमोटर्स होल्डिंग जैसे कि आपको बताया 75% तक की प्रमोटर्स होल्डिंग देखने के लिए मिलती है। एफआईएल के बारे में बात करते तो 11% तक की एफआईएल होल्डिंग देखने को मिलती है। एफआईएल यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं जो आउट ऑफ इंडिया पैसा इन्वेस्ट करते हैं। डीआईएल के बारे में बात करते हैं, डीआईएल यानी कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं उन लोगों का स्टेक इस कंपनी में 5.53% तक का देखने के लिए मिलता है। पब्लिक यानी कि आपको हमारे जो लोग हम लोगों ने इस शेयर में 8% तक का स्टेक होल्ड कर रखा है।
कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, शेयर प्राइस काफ़ी अच्छा है, शेयर मूवमेंट काफ़ी अच्छे आप लोग को देखने के लिए मिल रही है, कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छा है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन बिना रिस्क के मजा कैसा आएगा, रिस्क है तो इश्क है। तो बस गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, सी यू सून। इस वीडियो में जितना कुछ बताया है वो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बताया है, मेरा किसी भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से कोई संबंध नहीं है। आप लोगों का पैसा आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अपने रिस्क और अपने एनालिसिस पर ही इन्वेस्ट कीजिए।